अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम बैक टू डिलीशियस बनाना। और आज हमारे पास यूट्यूब से ही हमारे कस्टमर ने ऑर्डर किया हमें चिकन नगेट्स के, चिकन सीख कबाब, चिकन बोटी, और उसकी भी हम रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने सोचा कि आपके साथ नगेट्स की रेसिपी शेयर कर दें। तो नगेट्स के लिए हमने लिया 2.5 किलो चिकन कीमा। ये देखें, दो दफ़ा ब्रिक मशीन से निकला और इसमें हमने अदरक लहसुन डाल दिया था। एक पाव अदरक और लहसुन मिक्स है इसके अंदर, 125 ग्राम जो है वो हमने लिया था, आधा आधा पाव। इसी हमने अच्छे तरीके से मशीन से निकाल लिया इसको। और यहाँ पे देखें, ये 16 पीस ब्रेड के हैं। ब्रेड जो है मैंने इसकी साइड्स कटिंग कर ली और ये साइड्स पड़ी हुई हैं इसकी। इसका हम ड्राई करके ब्रेड क्रम बनाएंगे। यहाँ पे आ जाएं तो हमारे पास है सोया सॉस, 4 टेबल स्पून हमारे पास वर्स्टर्शायर सॉस है। ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लीव्स लिए मैंने, ऑर्गेनिक लीव्स 2 टेबल स्पून पपरिका पाउडर है, 2 टेबल स्पून जो है वो ब्लैक पेपर है, 1 टेबल स्पून वाइट पेपर है, 2 टेबल स्पून सॉल्ट है। और मज़ीद इसके बाद कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे 5 अंडे, 5 एग्स, और मैदा 1 बाउल, और ब्रेड क्रम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है ब्रेड को कटिंग कर लेंगे और इसमें ब्लेंड कर लेंगे। फिर हम जो है अपने सारे मसाले और ये ब्रेड चिकन में मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और एक डो रेडी कर लेंगे। ये देखें, इसको इस तरह आप कटिंग कर लें, तो आप इसको हाथ से भी कटिंग कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से हम ब्लेंड कर लें। ये और इसके बाद चिकन सीख कबाब जो है वो हम आपके साथ एक अलग से रेसिपी शेयर करेंगे इसकी। आप भी अगर हमें कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं रमज़ान के लिए, समोसे, रोल, चिकन पोटैटो कटलेट्स और कचौरियाँ, कुछ भी अगर आप फ्रोज़न में बनाना चाहें, शामी कबाब हो गए, मलाई बोटी, चिकन बोटी, गोला कबाब, करीज, फ्रोज़न जो है वो कोफ्ते कबाब, तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। ये देखें, हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो है हम देखें, ये हमारी ब्रेड ब्रेड आ गई हमारी। ये देखें, ये बिल्कुल देखें ऐसे हो जाएगा। ये में हम ऐड कर देंगे वर्स्टर्शायर सॉस। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो दूध भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई पाउडर यूज़ करें। मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि मैंने जो ब्रेड वो मिल्की ब्रेड ली थी। अगर आप भी लें मिल्की ब्रेड लें तो इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, अब जो है इसको हम मिक्सर में डाल के डो मशीन में जो है मैं इसको बिल्कुल गूंद लूँगा, तो फिर आपसे मिलते हैं जी। यहाँ पर देखिए, मैंने लिया है 1 कप मैदा और इस मैदे में मैंने 1/2 चम्मच डाल दिया पपरिका पाउडर, और इसको मैं पानी के साथ एक मिक्सचर तैयार कर लूँगा जिसमें मैं डिप करूँगा अपने नगेट्स को। अब इतने ज़्यादा नगेट्स बनाए जाएँ तो इतना टाइम नहीं होता किसी के पास के पहले नगेट्स बनाएँ, फिर उसको मैदा लगाएँ, फिर अंडे में डिप करें और फिर उसको ब्रेड क्रम्स लगाएँ। तो इसलिए हम इजी जो कमर्शियल तरीका यूज़ करेंगे, जो हम रेस्टोरेंट्स में हैं और जो करते हैं बाहर, ज़्यादा रेसिपी के लिए देखें डो मिक्सर में। मैंने इसको इधर आपको कम नज़र आ रहा है, लेकिन ये इस तरह का डो मिक्सर है। इसमें अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया और इसमें 1 किलो में डलेंगे 2 अंडे, इसलिए हम इसमें 5 अंडे मिक्स कर देंगे पहले ही, ताकि हमें बाद में दोबारा डिप ना करने पड़े, उस तरह टाइम ज़्यादा लगेगा जी। तो यहाँ पर जो है ये देखें कितना अच्छे से डो रेडी हो चुकी है। ये आपको इसलिए थोड़ा नज़र आ रहा है, देखिए इस तरह मिक्सर बॉल है डो वाला, इसमें मैंने इसको रेडी कर लिया। और 1 किलो में हम डालेंगे 2 अंडे, 2.5 किलो था तो मैंने 5 अंडे ले लिए हैं, क्योंकि कमर्शियल रेसिपी से हम इसको बना रहे हैं ज़्यादा, तो टाइम जो है उसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी शेप्स बनाएंगे और जस्ट जो है हम इसको मैदे का, इधर मैंने लिया मैदा 1 कप लिया मैंने मैदा बड़ा वाला, और इसमें 1/2 टीस्पून मैंने डाल दी पपरिका पाउडर। इसको मैं पानी के साथ जो है वो एक सौ मिक्सचर बना लूँगा। बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होगा और गाढ़ा भी नहीं होगा, और इसके हम जब वो बना लेंगे अपने नगेट्स शेप्स आ जाएंगी, बस हम इसमें जो डिप करेंगे वो साथ
ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। देखें रमज़ान आ रहा है तो आप भी ये बना के अपने पास सेव रखें और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और इसमें मैं देखें पहले से ही मैं 5 अंडे शामिल कर दूंगा ताकि हमें ये बना के मैदा लगा के अंडे में डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स ना लगाने पड़े। तो हम कमर्शियल जैसे जल्दी से टाइम सेव करने के लिए यूज़ करते हैं जो प्रोसीजर वो यूज़ करेंगे। हम अंडे इसी में मिक्स कर देंगे। पहले आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना और उसके बाद आपने इसके अंदर अंडे मिक्स करने हैं। ये देखें अंडे मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ये देखिए और यहाँ पे जो है पानी डाल के हम इसका मैदे का मिक्सचर रेडी कर रहे हैं जिसमें हम जो है वो डिप करेंगे अपने नगेट्स और साथ ही हम ब्रेड क्रम्स डाल रहे हैं। तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया। ये देखो इतना रखना है आपने, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना थे और थिन भी नहीं करना है। देखो चले इसको अब बना लेंगे। अब अपने पास ऑयल रख लें और हाथ को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें। अगर किसी मोल्ड से बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको मोल्ड से ही बना सकते हैं। हमने जो है वो काफ़ी सारे तकरीबन 120-125 जो है वो हमने बना लिए थे क्योंकि हमने भेजने थे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऑर्डर था। और जो एक्स्ट्रा है वो हमने इस ट्रे में लगाए। देखें इस तरह मैंने ट्रे में लगा के आप घर के लिए इजी तरीका बताया कि पुली बैग कटिंग करें इस पे लगाएं और इसके ऊपर एक धोआ लगा दें। कुछ हम आपके सामने बना देंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसे करना है। ये देखिए पहले आपने हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लेना। ग्रीस करने के बाद आपने क्या करना है एक थोड़ा सा ये लगाएं, छोटी सी गोली बनाएं। ये देखिए ऐसे इसको ब्रेड क्रम्ब में छोड़ दें। आपने ऐसे थोड़ा सा हाथ को ग्रीस रखना। ऐसे ही आपने छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है पहले। ये देखिए अच्छे तरीके से टाइट करके थोड़ा सा बेशक हाथ पे ये लगाते रहें। मैंने छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है इस तरह। और ये मैंने कहा कि थोड़े से आपके सामने बना दें मुख्तलिफ शेप्स में आपको बता दें 2-3। ये देखिए अब क्या करेंगे मैंने थोड़ा सा ये लगा लिया इसके ऊपर। देखिए अगर आप थोड़े बड़े पसंद करते हैं तो आप थोड़ा बड़ा जो है वो गोला इसकी गोली बना लें। ये देखिए इसके बाद आपने इसको ऐसे ब्रेड क्रम लगा देना। मैंने डायरेक्ट इसलिए ब्रेड क्रम लगा दिया क्योंकि मैंने हाथ पे ये लगा लिया था। अगर आप करेंगे सिर्फ देखें जैसे आपने सिर्फ ग्रीस किया हाथ को और ये एक लिया और फिर आप क्या करेंगे इसको थोड़ा सा ऐसे लेके लगा लें। थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा ये देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे करें और फिर इसको ऐसे कर लिया। ज़्यादा ज़्यादा आपने नहीं बनाया। देखिए अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ जी। तो ये देखें अब आपने क्या करना है कि ये देखें गोली को बड़ी मैंने थोड़ी साफ कर दी। थोड़ा सा ऐसे प्रेस करें और इसको ऐसे जैसे आप शामिल को आपको करते हैं ऐसे कर दें। तो ये देखें हमारा एक राउंड शेप रेडी हो जाएगी इस तरह से। फिर आप देख लें थोड़ा सा ऐसे प्रेस करें और फिर उसको नाइफ लेके इसको थोड़ा सा प्रेस करें। जैसे ओवल शेप में आ जाएगा ये देखिए इसको थोड़ा सा स्नैक करें। ये देखिए ये इस तरह से डिज़ाइन में आ जाएगा। ये रख लें और फिर अगर दूसरी शेप में बना जाते हैं ये देखिए ऐसे करें इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लें और इसको ऐसे स्क्वायर शेप में करें और दरमियान में से ऐसे थोड़ा सा
उसको प्रेस करें, ये देखें एक शेप आपके पास ये आ जाएगी। फिर एक नया उसको थोड़ा सा प्रेस करें, इसको आप ऐसे स्क्वायर शेप में बना लें, जैसे ये देखें ये आपके पास स्क्वायर शेप में आ जाएगा ऐसे। इसी तरह से अगर आपके पास कोई मोल्ड है तो आप इसको थोड़ा सा प्रेस करें, उसको मोल्ड से भी बना सकते हैं। लेकिन ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे है, इसमें बन रेडी। ये आप इसका साइज जो है वो हमने रखा है तकरीबन 20 से 25 ग्राम का, आप चाहें तो इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं और इसे थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं। कुछ हमने इस तरह ओवल्स करके बना लिए, कुछ हमने लीफ की शेप में बना लिए जैसे पत्ते होते हैं, तो आप भी ऐसे इनको जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह से आप सब रेडी कर लें और अब हम कुछ फ्राई करेंगे, आपको दिखाते हैं कि फ्राई होने के बाद कैसे होते हैं। जब भी आप ये फ्राई करेंगे, फ्रोजन भी होंगे आपके घर में, तो हमने बनाए फ्रेश, ये ऑर्डर नहीं, जो बाज़ार में आते हैं वो दो पावर फ्राई हुए होते हैं, इसलिए आप उसको थोड़ा गर्म ऑयल में भी डाल सकते हैं। ये आपने अगर फ्रोज़न है इनको थोड़ा सा डीप रोस्ट कर लेना, और डीप रोस्ट करने के बाद आपने हल्की आँच में इसको ऑयल को गर्म करना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई कर लेना है। देखें बहुत सही, देखें हमने सोचा कि आप फ्राई करके भी आपको दिखा दिए जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इनका कलर आ रहा है और ये बन रहे हैं। इस पर ब्रेड क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स आपने भी ज़्यादा नहीं लगानी, मैंने भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, क्यों कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ब्रेड क्रम्स जो हैं हमारे जल्दी रेडी हो जाएंगे और ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए आपने इनको मीडियम आँच पर पकाना है। तकरीबन इसको कम से कम 5 मिनट जो है इसको फ्राई होना चाहिए। ये देखें हमने फ्राई करने के बाद ये कुछ हमने फ्राई किए थे पहले, और जब आपने इसको फ्राई करना तो बिल्कुल जो है वो लो फ्लेम पे, तेज़ ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ये हमारे फ्रेश हैं, जो बाज़ार से आपको मिलते हैं वो पावर फ्राई हुए होते हैं ऑलरेडी। इसको हमने बिल्कुल वहाँ आँच के ऊपर बनाएंगे हम, ये देखें जैसे ये थोड़ा सा हो जाएगा हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जब आप फ्रोज़न कर लेंगे तो आप इसको डीप रोस्ट करेंगे, और डीप रोस्ट करने के बाद आप इसको जो है वो फिर बनाएंगे। मैं डीप फ्राई नहीं किया मैंने, इसलिए मैंने इनकी साइड चेंज कर दी। तकरीबन ये फ्रेश हैं तो फिर भी ये 3 से 4 मिनट लेंगे फ्राई होने में, और अगर ये फ्रोजन होंगे तो फिर तकरीबन 5 मिनट लेंगे, क्योंकि अंदर से ये ठंडे हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारे ये चिकन नगेट्स बन के रेडी हो चुके हैं, देखें। आप ये रेसिपी रमज़ान के लिए ज़रूर रेडी करें, अपने बच्चों के लिए नगेट्स बना कर रखें, आप चाहें तो इनको फ्रोज़न भी कर सकते हैं। और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी, और हमारे चैनल पे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और भी अगर रमज़ान के लिए आप कोई टिप चाहते हैं या कोई रेसिपी चाहते हैं तो हमसे ज़रूर
कमेंट्स में पूछिएगा, तो हम अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से आपको ज़रूर बताएंगे वो चीज़। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे नगेट्स जो हैं वो रेडी हैं। आप चाहें तो इसको रमज़ान के बाद भी बना के रख सकते हैं, आपके घर मेहमान आए, बच्चे आए, गेस्ट आए, तो आप उनको सर्व कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।